वेलकम बैक दोस्तों, नमस्कार बीके टीच स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आप जमीन भी कोई भी रजिस्ट्री करवाते हैं ऑनलाइन तो उसको कैसे चेक करना है, चलिए उसको हम यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम इस लिंक को आपको बताऊँगा, वीडियो को लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप इस पेज पर आ जाइएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल पर क्लिक करिएगा, शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अर्बन पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आपके सामने दूसरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, आपको जो आपका जो तहसील है उसको सेलेक्ट कर लेना होगा, विलेज को सेलेक्ट कर लेना हो और आपका खसरा नंबर आपको यहाँ पर डाल देना होगा। तो सभी चीज़ को यहाँ पर आपको बारी बारी से टाइप कर देना है। जो भी आप रजिस्ट्री करवाए हैं अगर आपको तुरंत नहीं शो हो रहा है तो आपको दो तीन दिन वेट करना है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर हम चलते हैं, आपका जो भी आपका जिला है आपको उस जिले को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं संत कबीर नगर से हूँ तो फाइनली मैं संत कबीर नगर यहाँ पर टाइप कर देते हूँ। आपका जो भी जिला है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना तहसील को सेलेक्ट कर लेना है, मेरा तहसील धनघटा है तो मैं यहाँ पर धनघटा पर सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद धनघटा पर सेलेक्ट कर देना है, तो चलिए फाइनली हम धनघटा पर यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका जो विलेज मोहल्ला है, आपका जो भी विलेज मोहल्ला है आपको उस विलेज को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी गांव है यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, उस गांव को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, हम अपना नियर गांव का है यहाँ पर, उस गांव को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेने वाले हैं। चेक करते हैं कि वहाँ पर जो रजिस्ट्री हुई है अभी ऑनलाइन नेट पर आई है या नहीं आई है, सभी डिटेल आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको वेट कर लेना है, अगर आपका कोई भी रजिस्ट्री तुरंत अगर नेट पे नहीं एक्टिवेट होती है तो आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन का वेट कर लेना है, आपका जो भी है एक्टिवेट आपका नेट पर शो होने लगेगा। तो यहाँ पर हम उस विलेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका खसरा नंबर, आपको यहाँ पर भूलेख पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ से भी खसरा नंबर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर उस खसरा नंबर को यहाँ पर टाइप कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर खसरा नंबर को टाइप कर देते हैं। खसरा नंबर टाइप कर देने के बाद यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो सबमिट के ऑप्शन पर यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ये पेज रिलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर संपत्ति विलेख विवरण पर आपको क्लिक कर लेना होगा। नीचे आप देख सकते हैं सबमिट के नीचे ही संपत्ति, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने जो भी संपत्ति पंजीकरण अनुक्रमणिक पंजीकृत पंजिका है यहाँ पर सभी लोगों का जो भी है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। आप सभी डिटेल यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, कौन लिया है कौन नहीं लिया है, किसके नाम से ज़मीन कौन सी हुई है रजिस्ट्री, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप साइड में भी देख सकते हैं यहाँ पर सभी चीज़ किस तारीख को हुआ है और यहाँ पर आपका पंजीकृत वर्षी और पंजीकरण संख्या सभी यहां पर दिए रहेगा और यहां पर कौन से गांव के हैं उन्होंने रजिस्ट्री करवाया है सभी यहां पर आपको मिल जाएगा। यहां पर पंजीकरण की तिथि भी आपको मिल जाएगी, किस डेट को यहां पर पंजीकरण हुआ है। लेखा पत्र का विवरण भी आपको मिल जाएगा कि वह पट्टा अनुबंध विलेख है या बिक्री पर है, सभी चीज़ आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको चयन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर पूर्ण विवरण देखने के लिए आपको चयन करे के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर चयन करने पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जिस भी आपको प्रश्न का यहाँ पर जितने भी नाम शो हो जाएगा उससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर अपने नाम के सीधाई पर आपको चेक कर देना हो, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सभी डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर प्रतिफल कितने रुपए, कितना मूल्य, सभी चीज़ और यहाँ पर प्रथम पक्ष आपको जिसके नाम से ज़मीन है वो भी मिल जाएगी और द्वितीय पक्ष कौन बेच रहा है वो भी नाम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जितने भी गवाह लगेंगे वो सभी गवाह का आपका यहाँ पर सभी लोगों का नाम आसानी से मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन गवाह इस ज़मीन की रजिस्ट्री होते हुए यहाँ पर उन लोगों ने अपनी गवाही दी है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।